नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube के हिंदी चैनल जस्ट चिल में। आइए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब मुझे नहीं किया है, ये मेरा लाल रंग का जो आप बड़ी बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब का, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और ये ब्लॉगर, ट्विटर और गूगल प्लस पे भी आप मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये मेरा पहला स्क्रीनशॉट वीडियो है लैपटॉप पर। अभी तक मैंने 3-4 जो वीडियो बनाए हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरे 3 वीडियो जो लेटेस्ट में भी हैं, ये मेरे मोबाइल पे थे स्क्रीनशॉट। और ये मेरा पहला लैपटॉप का स्क्रीनशॉट वीडियो है। तो इस पर मैं आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं जिस ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस ऐप का नाम है OBS स्क्रीन रिकॉर्डर। चलिए दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे OBS स्क्रीन रिकॉर्डर। तो सर, जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, ये दूसरा वाला ये आ जाएगा दोस्तों, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर होम। उस पर क्लिक करेंगे, ये इसकी वेबसाइट है दोस्तों। ये ऐप दोस्तों बिल्कुल फ्री है, इसमें एक भी पैसा नहीं लगाना है। ये ऐप जो है बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, यहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें। ये ऐप जो है लगभग 100 MB की ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लें। चलिए दोस्तों, ये कैसे काम कर रहा है मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। और दोस्तों, उससे पहले मैं एक और बताना चाहूँगा, ये एक ऐप और भी है जिसको मैंने डाउनलोड किया है, उसका नाम है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर। दोस्तों, ये ऐप भी बढ़िया है, बस इस ऐप में एक ख़राबी है कि इस ऐप की जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो सिर्फ 5 मिनट का ही है, और OBS स्क्रीन रिकॉर्डर जो है उसकी टाइमिंग 10 मिनट की है। तो दोस्तों, हालांकि आइसक्रीम जो रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर है उस पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिए हुए हैं, ठीक है, और OBS में है कि कोई फीचर नहीं है। दोस्तों, अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं OBS का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आइसक्रीम का मैं इस्तेमाल करके देखा मैंने, वो भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। बस उसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये जो ऐप है ये सिर्फ 5 मिनट की टाइमिंग देता है, और इसमें कई फीचर है, ड्रॉ का फीचर हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, मैंने आइसक्रीम को, अरे ये OBS को डाउनलोड कर लिया है। चलिए आइए देखते हैं, ये इसका मेन होम पेज है दोस्तों। ये देखिए, ये अभी मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, 3 मिनट 7 या 8 सेकंड की हो गई है। दोस्तों, इसमें जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं Scene 3, यहाँ पे आपको एक सीन क्रिएट करना होगा, ठीक है दोस्तों। इसको ओके करेंगे तो ये आपकी सीन क्रिएट हो जाएगी। चलिए, ये आप वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे। और फिर दूसरा ये कॉलम है, इसमें सोर्स है, तो यहाँ आपको सोर्स चूज़ करना है कि आप क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ये देखिए, ऑडियो इनपुट कैप्चर, ऑडियो आउटपुट कैप्चर, ब्राउज सोर्स, कलर सोर्स, डिस्प्ले, गेम कैप्चर। इसमें आप गेमिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, आप इसको लाइव गेमिंग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं, तो ये आप जब खोलेंगे, एक ये डिस्प्ले कैप्चर, इसको मैं अभी कर रहा हूँ दोस्तों, ये डिस्प्ले कैप्चर का है। और इसमें यहाँ से आप फाइल ओपन करके देख सकते हैं कि आपने जो फाइल, जो वीडियो आपने बनाया वो सेव करके कहाँ गया, आप उसको चूज़ कर सकते हैं आप कहाँ रखना है वीडियो। और ये इसके और भी फीचर हैं, और अभी मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है दोस्तों, अभी भी मैं ये इसको सीख ही रहा हूँ, और ये आपको मैं बताते हुए भी सीख रहा हूँ। ये देखिए, वीडियो बनाने के बाद ये आ जाता है फोल्डर में, जैसा कि ये देख रहे हैं मैंने कई वीडियो बनाए हैं, मैं काफ़ी देर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अभी उसमें पूर्ण नहीं हो पाया हूँ। जैसे देखिए, मैंने कई वीडियो बना के डिलीट किए हैं, आप ये देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये ऐप तो है बहुत अच्छा,
और सिर्फ उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप ये जो मार्क लाइन करना हो, जैसे किसी चैनल किसी चीज़ को हेडलाइट करना हो, तो आप वो इसमें नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा जो ऐप है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, वो ऐप भी काफ़ी अच्छा है, आइसक्रीम ऐप, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये उसका होम पेज है, आइसक्रीम ऐप, ये देखिए लिखा है फ्री टेस्टी सॉफ्टवेयर, और ये इनके प्रोडक्ट हैं पीडीएफ कन्वर्टर, स्पीड रिकॉर्डर, ई बुक रीडर, पीडीएफ स्प्लिट मर्ज, एक साथ कई फाइल को आप मर्ज कर सकते हैं, इमेज रिसाइजर। दोस्तों इस ऐप के बारे में मैं ट्यूटोरियल बना रहा था और वो मेरा पूरा नहीं बन पाया, तो मैं इसकी आपको कुछ थोड़ी सी झलकियाँ दिखा देता हूँ, आप ये यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये भी ऐप बहुत अच्छा है, बस दोस्तों सिर्फ इसमें एक यही कमी है कि इस ऐप में टाइमिंग की बाउंडेशन दी हुई है, आप इस ऐप का इस्तेमाल 5 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ओवरऑल ये ऐप OBS से ज़्यादा अच्छी है, मैं इस पर ट्यूटर बनाने की कोशिश कर रहा था, स्क्रीन रिकॉर्डर, वो मैं पूरा नहीं बना पाया। आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को आप पसंद और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये मेरा चैनल है, आप जैसे ही इसको सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब बटन दाएंगे, ये लाल से सफ़ेद हो जाएगा और यहाँ पे घंटी बन जाएगी, उस घंटी को आप क्लिक कर दीजिएगा। घंटी क्लिक करने से ये होगा दोस्तों कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा और YouTube पर जैसे ही मैं उसको पोस्ट करूंगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों OBS का लिंक और स्क्रीन रिकॉर्डर का, मतलब आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आपको अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा चैनल पसंद आया होगा।